हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंबुश शुक्ला है और आप देख रहे हैं एक्सिस का यूट्यूब चैनल। हाँ, मैं आपके दो लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ पीरियोडिक टेबल पे। थर्ड लेक्चर में मुझे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ानी थी, सेकंड मैंने मेंडलीव तक ख़त्म किया था। एक्चुअली थर्ड जो लेक्चर के पहले यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाने के पहले मैं आपको कुछ एक टॉपिक पढ़ाना चाह रहा था जिससे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ऑलरेडी सुना है 9th क्लास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया भी है, कैसे किया वो आप लोगों ने, आप लोगों को पता है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स रहती हैं, जैसे सन अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उसी तरह अर्थ सन के चारों ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती है, या सन के चारों जो प्लैनेट्स भी हैं वो ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। उसमें आपका फर्स्ट ऑर्बिट होता है, सेकंड ऑर्बिट होता है, थर्ड ऑर्बिट होता है, फोर्थ ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट को शेल भी बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। फर्स्ट शेल का नाम क्या होता है, के शेल, एल, एम, एन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल कितना होता है, आप लोगों ने शायद फॉर्मूला पढ़ा होगा। बोलिए कितना होता है, 2n2। बोलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन शेल कितना होता है, बोलिए 2n2। यहाँ पे n क्या है, शेल नंबर है। फर्स्ट सेल के लिए बात करेंगे n=1, सेकंड सेल के लिए बात करेंगे n=2, थर्ड सेल के लिए बात करेंगे n=3। तो अगर मैं फर्स्ट, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम की बात की हुई है, ठीक है, मिनिमम की कोई बात नहीं बताई, मतलब लिमिट बता रहा है हर ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेकंड शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, थर्ड शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अगर फर्स्ट शेल की बात की जाए, तो यहाँ पे बताइए फर्स्ट शेल के लिए n कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 × 1² कितना हो जाएगा 2। अगर आपको सेकंड सेल की बात की जाए तो क्या बोलेंगे, बताइए 2 × कितना हो जाएगा 2² कितना हो जाएगा 8। थर्ड शेल के लिए बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 × 3² कितना हो जाएगा, बोलिए 18। बात समझ आ रही है? तो इसी तरह से आप फिलिंग करते हैं, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर आपको बोला जाए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो कैसे लिखते हैं, आप 1 लिखते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, यानी 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, पर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई अगर आपको कोई बोले कि हाइड्रोजन में कितनी शेल है, आप क्या जवाब देंगे, कभी ये जवाब मत दीजिएगा कि सर 1 शेल है, ऑक्यूपाइड शेल 1 है, ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट शेल है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। कल आपको बोले सोडियम का बताइए तो क्या करेंगे, बोले 2, 8, 1, सही बात है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, ये 9th क्लास में आप लोगों ने किया हुआ है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही मैक्सिमम आ सकते हैं, बचे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन 9, तो सेकंड सेल में कितने 9 तो रख नहीं सकते, उसमें कितने हो सकते हैं 8, तो इसमें भी 8 रख दिया, 2, 8, 10 हो गया, बाकी बचा 1 यहाँ रख दिया, ठीक है। मैग्नीशियम का आप लोगों ने किया था कैसे, 2, 8, 2, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, बचे जो बाकी 2 डाल दें, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, इमोशनल मत हो जाइएगा कि सर थर्ड सेल में भी 18 होने चाहिए, 18 मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, अभी आपको जैसे बोल दिया जाता है कि आप पोटेशियम का निकालिए, के फॉर पोटेशियम, पोटेशियम का अटोमिक नंबर क्या होता है, 19 पता है ना, नीचे वाला अटोमिक नंबर या अटोमिक नंबर है ये सब, ठीक है, कितना हो जाएगा, बोले 2, 8 होना चाहिए, कितना 2, 8, 8, 1 होता है कि नहीं होता, करें आप लोग, बहुत सिंपल है। लेकिन एक बात बताइए कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन थे आपने रखे, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं रखे, कोई दिक्कत, थर्ड सेल में क्यों 8 रखे, थर्ड सेल में तो 9 भी रख सकते थे ना भाई, ये शेल भर गई तब आपने इसमें डाला, ये शेल भर गई तो इसमें डाला, ये शेल भरी नहीं फिर भी आपने इसमें क्यों डाला, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कैल्शियम है क्या हो जाएगा, बोले 2, 8, 8, 2 करते हैं, ये सब किया होगा आपने 9th क्लास में। अब देखिए फिर से फर्स्ट सेल भरी, आप सेकंड सेल के पास गए, सेकंड सेल भर दिए, सेकंड सेल भर गई, थर्ड सेल भरे, अब थर्ड सेल पूरी भरी नहीं है, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, बिना भरे उसको फोर्थ भरने लगे, तो यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं फेलियर आ जा रहा था। तो अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, अटोमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और इससे आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत हेल्प होगी, ये मेरा प्रॉमिस है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, 20-25 मिनट आपको ध्यान से देखना है। आबाऊ प्रिंसिपल, ठीक है, आबाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, ठीक है, आबाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, पहले आपको बता दे रहा हूँ, आबाऊ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, एक जर्मन वर्ड है, इट इज़ अ जर्मन वर्ड और इसका मतलब है बिल्डिंग अप, ठीक है, इसको मैं लिखवाता हूँ एक बार, पहले आप लिख लीजिए,
लिखिए, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स, ग्राउंड स्टेट एटम की समझ रहे हैं ना, मतलब एटम किसी से भी कंबाइन नहीं किया हुआ है। मतलब अब अधिकतर आप बोलते हैं ना एटम्स आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, पर ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि एटम अभी किसी, मतलब सिंगल है एटम। अगर कार्बन एटम की बात, अगर नाइट्रोजन की भी बात करें तो आप सिंगल एन की बात करें, लिख लीजिए इसको, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स कॉमा द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एनर्जीज। अब ऑर्बिटल्स एक नया वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, अभी तक ऑर्बिट आपने सुना था। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स कॉमा द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एनर्जीज। तो ऑर्बिटल्स के बारे में बताता हूँ, अभी तक आप लोगों ने ये सुना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑर्बिट या शेल जो बोलते हैं हम लोग जिसको, शेल इलेक्ट्रॉन्स चक्कर, इलेक्ट्रॉन्स तो शेल में चक्कर लगाते हैं, पर होता क्या है, जैसे आपको बोला जाए कि आप कहीं इंडिया, मतलब इंडिया में कहीं और जाएं, किसी अदर स्टेट जाएं, आप दिल्ली जाते हैं, आप राजस्थान जाते हैं, वहां जाके आपको बोलेगा कोई कि आप कहां रहते हैं, तो आप बोलेंगे सर मैं उड़ीसा में रहता हूं, ठीक है, पर आप पूरे उड़ीसा में थोड़ी ना रहते हैं, आप उड़ीसा के किसी एक पर्टिकुलर सिटी के किसी मोहल्ले में किसी एक क्वार्टर नंबर में रहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली उसी तरह क्या होता है, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। अब एक्चुअली जैसे आप बोले ना इलेक्ट्रॉन शेल में चक्कर लगाते रहते हैं, एक्चुअली क्या होता है, शेल में सबशेल्स होती हैं, सबशेल्स ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होते हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या, फिर से बोलिए, सेल किस में डिवाइडेड है, सबशेल में, सबशेल में, सबशेल किस में डिवाइडेड है, ऑर्बिटल्स में। जैसे आप बोला जाए कि आप उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा किस में डिवाइडेड है, सिटीज में, सिटीज में डिवाइडेड है, उसके बाद सिटीज किस में डिवाइडेड है, मोहल्ले में डिसाइडेड है। तो उसी तरह सेल सबशेल में डिवाइडेड है, सबशेल किस में डिवाइडेड है, ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, ऑर्बिटल्स में। जैसे आप घर के कमरों में रहते हैं ना, बोलता है कि आप पूरे घर, मतलब मेरा घर इतना बड़ा है, लेकिन आप घर में नहीं रहते ना पूरे, आप एक किसी कमरे में रहते हैं, आप ड्राइंग रूम में हैं, आप बेडरूम में हैं, आप वॉशरूम में, आप किचन में हैं, आप एक कमरे में हैं, ठीक है। तो उसी तरह देखिए थोड़ा सा इसको, ठीक है, इसको समझाने के पहले वो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें टर्म डिफाइन हुआ है तो आपको दिक्कत होगा, ये आपको 11th में बहुत हेल्प करेगा, उससे JEE नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। शेल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, सेल किस में डिवाइडेड रहती है, बोलिए, सेल किस में डिवाइडेड है, सबशेल में डिवाइडेड है, ठीक है। अब सबशेल्स में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये उसी तरह है, ठीक है, ये उसी तरह है कि आप बोले कि आप उड़ीसा में रहते हैं, ठीक है, जैसे आपने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स शेल में रहते हैं, ठीक है, तो पर उड़ीसा क्या सिटीज में डिवाइडेड है, ठीक है। सिटीज के बाद आप किस में देखते हैं, आप कुछ जैसे सिटीज में देखते हैं, उसके बाद आप कोई एक लोकेलिटी में रहते हैं, उस एक सिटी की लोकेलिटी में रहते हैं और उस लोकेलिटी के किसी क्वार्टर नंबर में रहते हैं, ठीक है ना। जब किसी को आप स्पीड पोस्ट भेजते होंगे तो आप उसमें एड्रेस लिखते होंगे ना, क्वार्टर नंबर, फिर लोकेलिटी, फिर सिटी, फिर उड़ीसा, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया तो नहीं लिखते होंगे, 35 रुपये में तो इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, तो क्वार्टर नंबर लिखते हैं। पर वो लोग कैसे पढ़ते हैं कि अगर मान लो आपको कहीं, आपको कहीं से लेटर आना है तो आपके उसमें एड्रेस कैसे लिखा होगा, क्वार्टर नंबर, लोकेलिटी, सिटी। जैसे यहाँ पे क्वार्टर नंबर क्या लिखूंगा, हमारी कोचिंग का एड्रेस है D8, ठीक है, क्वार्टर नंबर है हमारा D8, यहाँ लोकेलिटी हमारी क्या हो जा रही है, कोयल नगर, ठीक है, सिटी क्या हो जा रही है, राउरकेला, ठीक है, और उसके बाद स्टेट हो रहा है। तो वो पढ़ कैसे रहे, मैंने लिखा कैसे है, क्वार्टर नंबर, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट, ठीक है, वो पढ़ कैसे रहे हैं, इसलिए फिर ये। तो उसी तरह हमारी सेल्स होती हैं, सेल किस में डिवाइडेड होती है, सबशेल में डिवाइडेड होती हैं, सबशेल हमारे किस में डिवाइडेड होते हैं, ऑर्बिटल्स में। अब देखिए शेल आपको पता है, अगर आपको के शेल की बात किया जाएगा तो एन इक्वल टू क्या है, बोलिए 1 है, ठीक है। अगर आपको एल शेल की बात किया जाएगा, ठीक है, तो एन इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर आपको एम शेल की बात किया जाएगा तो एन इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था है? यहाँ पे देखिए ये एन इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब सबशेल्स हमारी कितनी होती हैं, ठीक है, सबशेल्स हमारी होती हैं 4 तरह की होती हैं हमारे, हमें जो पढ़नी है अभी, SPDF, होने को तो GS तक जाता है, GS तक भी जाता है, पर आपको यहीं देखना है SPDF, ठीक है।
बात समझ में आ रही है। अब क्या होता है, इन सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, वो आपको मैं कैसे बताता हूँ, देखिए आप ध्यान से, ठीक है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सब शेल इन, जैसे यहाँ पे आपको के एल एम में नंबर दिया हुआ है ना, उसी तरह यहाँ सब शेल्स को भी नंबर दिया गया है। इसको नंबर दिया गया एल इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको नंबर दिया गया एल इक्वल टू वन, इसको नंबर दिया गया एल इक्वल टू टू, इसको दिया गया एल इक्वल टू थ्री। गलती मत कर दीजिएगा, इसको एल इक्वल टू वन मत बोल दीजिएगा, टू थ्री ऐसे मत बोल दीजिएगा, बात समझ में आ रही है ना। इसको क्या बोला गया जीरो, इसको क्या बोला गया वन, इसको क्या बोला गया टू, इसको क्या बोला गया थ्री, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब इन सब शेल्स में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखिए कैसे, एक बात आपको मैं बताता हूँ, एस में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो आ सकते हैं कितने, टू आ सकते हैं, ठीक। पी में टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स आ सकते हैं। डी में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने हैं, टेन। टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन। एफ में कितने आ सकते हैं, टेन प्लस फोर कितना हो जाएगा, फोर्टी। बात समझ में आ रही है। तो एस, एस सबशेल, यहाँ ऑर्बिटल मत बोल दीजिएगा, लोगों के दिमाग में ऑर्बिटल आता है। एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, दो। पी में छः, डी में दस, एफ में फोर्टीन। बात समझ आ रही है ना। अब क्या है, सबशेल्स किस में डिवाइडेड, ऑर्बिटल्स में। और एक रूल ये है कि मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल इक्वल टू क्या रहता है, टू। कितना रहता है, ये फिक्स है, ये याद रखिए। जैसे एक मान लीजिए हॉस्टल में कमरे हैं और बोल दिया जाए कि एक कमरे में, जैसे आप होटल्स में जाते हैं देखते हैं ना कि एक होटल के एक रूम में दो ही लोग सो सकते हैं, बात समझ आ रही है कि नहीं। उसी तरह यहाँ पे एक रूल है, ठीक है। या आप आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इलेवेंथ में, ठीक है। मैं आज आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको पीरियोडिक टेबल के लिए हेल्प करे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल कितने हो जाते हैं, मैक्सिमम टू। अब मेरे को बताइए कि एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दो, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, एक ऑर्बिटल। कितने चाहिए, एक ऑर्बिटल। यहां हम लोग क्या करेंगे, एक डब्बा बना देंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आराम से रह सकते हैं। अब पी में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बोला गया छः, तो छः इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एक ऑर्बिटल में, तो छः इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में आएंगे, बोलिए, तीन ऑर्बिटल में आएंगे कि नहीं आएंगे। दो के लिए एक चाहिए तो छः के लिए तीन चाहिए होगा, तो यहाँ पे हमारे कितने डब्बे होंगे, बोलिए कितने होंगे, तीन, एक दो तीन। यहाँ देखिए, ठीक है, डी में कितने हैं, दस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें कितने डब्बे होंगे, बोलिए हमारे डी में कितने डब्बे होंगे, बोलिए पाँच डब्बे होंगे। कितने डब्बे होंगे, पाँच, एक दो तीन चार पाँच। उसी तरह एफ के लिए बताइए, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, चौदह आने, तो डब्बे कितने बनाने पड़ेंगे हमको, सात। कितने डब्बे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, इसको और एक बार अच्छे से बना देते हैं, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। इस तरफ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हमारी सबशेल्स कितनी थी बताइए, कितनी थी बताइए, एक एस सबशेल थी जिसका नंबर क्या बोला गया था, L इक्वल टू क्या बोला गया था, जीरो, ठीक है। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने होने थे, दो, तो हमें कितने डब्बे चाहिए होंगे, बोलिए एक डब्बा चाहिए होगा। अगर मुझे बोला जाए कि P सबशेल की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू इसके लिए कितना रहता है, वन रहता है, और इसके इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं मैक्सिमम, बोलिए कितने आते हैं, सिक्स आते हैं। डब्बे कितने चाहिए होंगे, दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक डब्बा चाहिए, एक ऑर्बिटल चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दो ऑर्बिटल के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए तो छह इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए होंगे, बोलिए तीन, एक दो तीन, बात समझ आ रही है, ठीक है। डी के लिए बताइए, डी में कितने आते हैं, दस आते हैं, तो दस के लिए कितने चाहिए होंगे, एल इक्वल टू इसके लिए कितना होता है, टू, जीरो, वन, टू, जीरो से स्टार्ट होता है, याद रखिए, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। एफ में देखिए एल इक्वल टू कितना रहता है, थ्री रहता है, ठीक है। F में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 14 आ सकते हैं, तो डब्बे कितने बनाने होंगे, सात बनाने होंगे हमको, एक दो तीन चार पाँच छः सात। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। S, P, D, F, ये पूरी की पूरी क्या है, एक सबशेल है। जैसे ये क्या बोला जाएगा, एक पूरी सबशेल बोली जाएगा, इसमें तीन ऑर्बिटल्स हैं, इसमें तीन ऑर्बिटल्स हैं, ये पूरी की पूरी एक सबशेल है जिसमें पांच ऑर्बिटल्स हैं, ये पूरी की पूरी एक सबशेल है जिसमें सात ऑर्बिटल्स हैं, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। देखिए ध्यान से उतार लीजिए इसको,
अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक। अब देखिए, जो आप लोगों ने को मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के लिए 2 ही असाइंड थे, थर्ड के लिए 8, सॉरी फर्स्ट के लिए 2, सेकंड के लिए 8, थर्ड के लिए 18, वो कैसे था? देखिए एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, पर अलाउड वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, फॉर अ गिवन शेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको क्या होता है। L इज इक्वल टू होता है 0 से लेके चलता है कहाँ तक, n माइनस 1 तक। कहाँ चलता है बोलो? आपको शेल नंबर गिवन होगा, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर फर्स्ट शेल की बात की जाए तो L हमारा क्या क्या हो सकता है? 0 होता है, 1 माइनस 1 क्या होगा फर्स्ट शेल के लिए? अगर आप बोलेंगे, अगर आप फर्स्ट शेल के लिए बोलेंगे, ठीक है, फर्स्ट शेल के लिए बात कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू कितना रहेगा बोलिए? 1 रहेगा, ठीक है, n इक्वल टू 1 रहेगा, तो ये क्या होगा बोलो? 0 से स्टार्ट होना है और 1 माइनस 1 0 तो ही रहना है, तो L कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? केवल एक ही सबशेल होगी इसमें, L इक्वल टू 0 है ना, तो L इक्वल टू 0 वाली सबशेल कौन सी है बताइए? S। तो यहाँ पे केवल एक ही सबशेल होगी, याद रखिए, ठीक है। आपको ये मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करने का, तो इसमें एक ही सबशेल हो सकती है ये। अच्छा, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो सकते हैं बोलिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2। चलिए सेकंड के लिए बता दें, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये। सेकंड सेल के लिए देखिए, एन इक्वल टू कितना होगा बोलिए? 2 होगा, तो एल हमारा क्या क्या होगा बोलो? 0 तो होना ही होना है, और 2 माइनस 1 तो कहां तक जाएगा? 0 और 1 तक जाएगा। 0 और 1 का मतलब क्या होगा बोलिए? 0, एल इक्वल टू 0 के लिए कौन सी सबशेल आती है? एस सबशेल आती है बोलिए। 0 के लिए हमारी कौन सी सबशेल आती है? एस आती है, और एल इस, हाँ, 0 के लिए हमारी कौन सी सबशेल आती है? एस आती है, और 1 के लिए कौन सी सेल आती है बोलिए? सबशेल आती है, पी आती है। तो देखिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बोलिए? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो टोटल कितना हो गया बोलिए? 2 2 4 4 2 6 6 2 8। तो यहाँ कितना हो गया बताओ? सेकंड सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बोलिए? 8। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी आपको समझ रहे हैं ना कि ये कैसे आया था, कि आप याद कर रहे थे कि फर्स्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बोलिए? 2 ही रहते थे, सेकंड में 8 ही रहते थे। अब थर्ड के लिए आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, जरा थर्ड सेल के लिए एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ये इसमें और भी आपको चीज़ें डिटेल में पढ़नी, पर 11th में पढ़नी, आप उतना अभी लोड मत लीजिए, आप उतना पढ़िए जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आसानी हो जाए। एन इक्वल टू 3 के लिए बोलिए, एल क्या क्या हो सकता है बोलिए? 0, आप बस इतना देख लीजिए ना, 3 माइनस 1 कितना है? 2, तो कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 2 तक जाएगा। 0 क्या हो जाएगा बोलिए? एल इक्वल टू कहाँ तक जाएगा? 0, 1 और कहाँ तक जाएगा बोलिए? 2। बात समझ आ रही है? तो 0 का देख लो, 0 के लिए सबशेल हमारी कौन सी होती है बोलिए? एस सबशेल होती है। 1 के लिए कौन सी सबशेल होती है बोलो? ये वाली होती है, पी होती है कि नहीं होती बोलिए? ये एस हो गई और ये पी हो गई। 2 के लिए हमारी कौन सी सबशेल होती है? एल होती है, जिसमें कितने डब्बे होते हैं बोलो? 5 डब्बे होते हैं कि नहीं होते हैं? 2 3 4 5। अब बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 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 इसमें, टोटल कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18। समझ आया? फिट बैठ रहा है ना? फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ के लिए एक बार जरा ट्राई करके देखो आप लोग, फोर्थ के लिए क्या होगा बताओ? फोर्थ के लिए अगर आप यहाँ एन माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, तो कहाँ तक जाएगा बोलिए? 0 1 2 3। मतलब 0 के लिए ये आएगा, 1 के लिए ये आएगा, 2 के लिए 2 आएगा, 3 के लिए 3 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारी चारों सबशेल दिखेंगी कि नहीं दिखेंगे? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बोलिए? 2। इसमें कितने हो सकते हैं बोलिए? 2 2 4। इसमें 2 हुए, 2 2 4, मतलब 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। तो फोर्थ सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलिए? एन इक्वल टू 4 के लिए हमारा कितना होगा? एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू क्या होगा बोलो? 2, एल इक्वल टू क्या होगा बोलो? 3। तो एल का मतलब एस हुआ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल मतलब पी हुआ, एल इक्वल टू 1 मतलब पी हुआ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। डी इक्वल टू 2 हुआ, मतलब ये डी हुआ, डी के लिए हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बोलिए? 10 आते हैं कि नहीं आते हैं?
ठीक है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। और F में कितने इलेक्ट्रॉन, ये L=3 के लिए F हुआ, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 14 14 प्लस 10 कितना हो गया 24 24 प्लस 6 30 30 प्लस 2 32। बात समझ में आए। एक आपको और मेट्रिक बता दे रहा हूँ, आपको 0 1 2 से अगर परेशानी हो रही है, ठीक है ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है एक लाइन लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ शेल्स इन अ गिवन सेल, नहीं सॉरी काट दीजिए इसको, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ गिवन सेल, नंबर ऑफ सब शेल इन अ गिवन शेल इक्वल टू शेल नंबर, क्या नंबर, शेल नंबर। अब देखिए, अगर आपको बोला जाए कि फर्स्ट शेल के लिए नंबर ऑफ सेल्स बताइए, तो फर्स्ट सेल में आप बताइए नंबर ऑफ सेल्स हमारी कितनी थी, केवल 1 थी कि नहीं थी, सब शेल्स 1 थी, अरे था ना यहाँ पे 0 था तो एक ही सब शेल हुई ना। अगर n इक्वल टू 2 के लिए बात कर रहा हूँ तो कौन कौन सी सब शेल हुई थी हमारी, 0 और 1 वाली, यानी s और p वाली, तब भी दो ही सब शेल हुई। अगर मैं n इक्वल टू 3 के लिए बात करूँ तो क्या हो रहा था, 0 1 2 हो रहा था, तो सब शेल्स कितनी हो रही थी, 1 2 3। अगर मैं फोर्थ सेल के लिए बात कर रहा था तो कितनी सब शेल हो रही थी, 1 2 3 4, कितनी सब शेल्स हो रही थी, बोलिए 4। बात समझ में आ रहा है। अगर आपको बोला जाए कि फर्स्ट सेल में कितनी सब शेल्स होंगी, 1, सेकंड सेल में कितनी सब शेल्स होंगी, 2, थर्ड सेल में कितनी सब शेल्स होंगी, 3, फोर्थ सेल में कितनी सब शेल्स होंगी, 4। फर्स्ट सेल में एक सब शेल कौन सी, केवल एस, एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि एस में हमारे ऑर्बिटल्स कितना है, एक ही ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। अगर मैं आपको सेकंड सेल की बात कर रहा हूं तो कितनी सब शेल्स होंगी, एक एस होगी और एक पी होगी, ठीक है। एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में हमारे कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन फिट बैठेंगे, 6 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। थर्ड शेल के लिए बात की जाए तो कितनी सब शेल्स होंगी, 1 एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 6 16 2 18। एफ में कितने होंगे, बोलिए सॉरी एन इक्वल टू फोर्थ के लिए, एन इक्वल टू फोर के लिए फोर्थ नंबर ऑफ शेल में कितनी सब शेल्स होंगी, एस पी डी एफ, एस में 2, पी में 6, डी में 10, इसमें 14 14 प्लस 10 26 26 प्लस 8 26 प्लस 2 प्लस 6 8 8 प्लस 10 20 सॉरी 8 प्लस 10 18 18 प्लस 14 32। बात समझ में आ गया ना। फर्स्ट में एक सब शेल, 2 में 2 सब शेल, 3 में 3 सब शेल, 4 में 4 सब। बात समझ आ गई आपको, ठीक है अब क्लियर हो गया। अभी हम लोग अब प्रिंसिपल पे वापस आ सकते हैं, ठीक है इसको छाप लीजिए। ठीक है अब आबो प्रिंसिपल में देखिए, एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, वो ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है आप खुद से अपनी कॉपी में बनाइएगा। 1 फर्स्ट सेल में कितनी सब शेल्स थी, बोलो, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना 1 1s 1 मतलब फर्स्ट सेल की बात करें, ठीक है। और 1 फर्स्ट सेल में कितनी सब शेल थी, एक सब शेल, फर्स्ट सेल में कितनी सब शेल होंगी, एक ही होंगी। अगर आप सेकेंड सेल की बात करेंगे तो कितनी सब शेल्स होंगी, 2 सब शेल्स होंगे, एक एस और एक पी, तो 2s और क्या लिखना होगा, बोलिए 2p। थर्ड सेल में अगर बोला जाए, बोलिए कितनी सब शेल्स होंगी, 3 होंगी ना, एस पी डी, 3s 3p 3d। बात समझ आ रहा है। फोर्थ सेल में कितनी सब शेल्स होंगी, बोलिए एस पी डी एफ, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक ट्रिक है, वो आपको मैं बताता हूँ, 10 मिनट में आपको समझ आएगा। जैसे रिपीट 4s 4p 4d 4f, ये हो गया, फिर से एक बार ऐसे रिपीट कर दीजिए, 5s 5p 5d 5f। हाँ आपकी बात सही है कि हमारे फिफ्थ सेल में कितनी सब शेल्स होंगी, 5 सब शेल्स होंगे, लेकिन हम जी को अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए एस पी डी एफ जी जी एच ऐसे जाता है, ठीक है। पर ये एक ट्रिक है, ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ट्रिक है, तो इसके लिए मैं इसको यहीं तक लिख रहा हूँ। अब मैं घटाना स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे मैंने एक सब शेल लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, 4 लिखी, फिर रिपीट किया, अब मैं घटाना स्टार्ट करूँगा, 4 से 3 लाऊँगा, 3 से 2 ले जाऊँगा, 2 से 1 ले जाऊँगा। तो देखिए 6s 6p 6d, यहाँ कितना हो गया, बोले 7s 7p, और ये क्या हो गया, बोले 8। बात समझ में आया। ये नंबर में बढ़ाता था, फर्स्ट लाइन में 1 है, सेकंड लाइन में 2, थर्ड में 3, फोर्थ 5th 6 7 8। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है।
अब देखिए, अब ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। वेक्टर्स आपको पढ़ाया गया होगा, जैसे हेड है, ये टेल है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। आप अगर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, हेड टेल, अब मैं क्या करूंगा, इसके हेड को इसकी टेल से जोड़ूंगा। ऑब्वियसली मैं वेक्टर नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, पर एक ट्रिक है, इसको आप देख लीजिए, ये आपको 11th क्लास में पढ़ाई जाएगी, पर आपको अभी काम करेगी। मैं मिला रहा हूं सबको ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये क्या बनाया मैंने, ठीक है, पहले मैं फर्स्ट 1s में इलेक्ट्रॉन्स भरूंगा, फिर मैं किसके पास जाऊंगा, 2s में जाऊंगा, फिर मैं 2s के बाद किसको भरूंगा, 2p, 3s, फिर किस में जाऊंगा, 3p, 4s, 4s के बाद किस में जाऊंगा, 3d, 4p, 5s, फिर किस में, 4d, 5p, 6s, 6s के बाद किस में जाऊंगा, 4f, 5d, 6p, 7s, 7 के बाद किस में जाऊंगा, 5f, 6d, 7p, 8s, ठीक है। मैं लिखता हूँ एक बार, ध्यान से देखिएगा, बोलिए, सबसे पहले मैं किसको भरूंगा, 1s, उसके बाद मैं किसको भरूंगा, 1s के बाद किसको भरूंगा, बोलिए, 2s, 2s के बाद किसको भरूंगा, बोलिए, 2p, 2p के बाद किसको भरूंगा, 3s, 3s के बाद किसको भरूंगा, बोलिए, 3p, 3p के बाद किसको भरूंगा, 4s, इसको आप अपनी कॉपी में लिखने खुद से कोशिश कीजिए, 4s के बाद मैं किसको भरूंगा, बोलिए, 3d, 3d के बाद किस में भरूंगा, 4p, 4p के बाद किसको भरूंगा, 5s, फिर बोलिए, 5s के बाद 4d, ठीक है, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, 7p के बाद 8s। लिख लिया आप लोगों ने, बात समझ आ रही है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 1H1, इसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग करो, हमें इससे मतलब है एटॉमिक नंबर से, क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1S1 में, किस में जाएगा बताओ, अच्छा 1S, S का याद है ना, S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बोलो, मैक्सिमम 2 2+4, P में कितने हो सकते हैं, 6, D में कितने हो सकते हैं बोलिए, 10, F में कितने हो सकते हैं बोलिए, 14, समझ आ रहा है ना, याद नहीं हो रहा है तो 2+4, 6, 6+4, 10, 10+4, 14, ठीक है। तो बताइए S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे बताइए, सीधे सीधे 1s1 लिख दिया, ठीक है, बस खत्म। 1s1 मतलब समझ गए ना, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो टोटल केवल, अच्छा एक बात देख लीजिएगा, 1s है तो ये फर्स्ट सेल में ही एक सब सेल है, इसमें क्या हुआ सेकंड, ये दोनों 2-2 लिखा हुआ है ना कि नहीं लिखा हुआ है, तो सेकंड सेल के ही एस और पी सब सेल है, बात समझ में आ रहा है ना, सेकंड सेल के ही एस और पी सब सेल है, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे तो वो सेकंड सेल के ही जोड़े जाएंगे, इसमें थर्ड सेल में चाहे वो एस में जाए, चाहे पी में जाए, चाहे डी में जाए, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे किस में, 3 में, बात समझ आ रही है। तो आप लोग वहां जो लिखते थे याद है, केवल 1 लिख देते थे, क्योंकि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक हुआ। और एग्जांपल देखिए, जैसे आप लोगों ने 11Na किया था, या और भी देखिए, जैसे लिथियम देखिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, किस में आएगा, 1s में आएगा कि नहीं आएगा, तो 1s क्या करना पड़ेगा, 2, भाई मैक्सिमम s में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 2 भरने के बाद आप किस में जाएंगे बताइए, 2s में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 बचे हमारे, एक ही है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो क्या हो गया बोलिए 2s1। अब इसको आप लोग 9th क्लास में कैसे पढ़ते थे वो बताइए मेरे को, कैसे पढ़ते थे, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते थे बोलिए, 2 हो जाते थे, क्योंकि 1 लिखा है ना, ये सारे के सारे 1 में ही जा रहे हैं, और ये 2 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, और यहाँ कॉमा लगा देना, जब आपका ये नंबर चेंज होगा ना
ठीक है, या वन से टू होगा, टू से थ्री होगा, तो आप नंबर लगा दीजिएगा। एस और एस कॉमा पी कॉमा ऐसे मत लगाइएगा जब नंबर चेंज होगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सेकेंड सेल में, बोलिए टोटल कितने हो गए, वन, तो आप ऐसे लिखते थे वहाँ। ठीक है, अब देखिए, जैसे 11Na के लिए देखिए, ठीक है, 11Na के लिए देखते थे तो कैसे करते थे बताइए, आप ध्यान से देखिए। एस में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, बोलिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, सबसे पहले इसमें जाएगा तो किस में चला जाएगा, 1s2, अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, फिर किस में जाएगा, 2s में जाएगा, 2s के बाद जाएगा, तो 2s भर गया, 2s2 हो गया, एस में कितने इलेक्ट्रॉन, दो ही आ सकते हैं। यहाँ कॉमा लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2s के बाद अभी हम 2p ही भरने वाले हैं, मतलब अभी हम सेकेंड सेल में ही चल रहे हैं। हाँ, सबशेल जरूर चेंज हो गई, एस से पी सबशेल हो गया, तो क्या लिख देंगे इसको, पी में कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, बात समझ आ रही है कि नहीं। उसके बाद 2p के बाद हम किस में जाएंगे, 3s में जाएंगे, तब हमको चेंज करना पड़ेगा, तो कॉमा लगा देंगे हम लोग, तो किसमें जाएंगे, 3s। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, दो दो चार, चार छः दस, तो अभी बचे कितने, 11 बचे हैं, सॉरी एक बचा है कि नहीं बचा, तो 1 डालना होगा। तो अब देखिए, आप फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 2 हुए कि नहीं हुए, सेकंड में देखिए 2 इसके 6 इसका, तो टोटल कितने हो गए, 8, 2.8, ठीक है, 2.8 हो गया। और थर्ड सेल में आप देखिए, एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2.8.1। आप बोलेंगे सर ये तो पहले भी कर ले रहे थे, अभी आप क्या बता रहे हैं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। देखिए, अब जैसे हमारा प्रॉब्लम आ रहा था पोटेशियम में, ठीक है, पोटेशियम देखिए 19K देखिए, ठीक है, अब देखिए, वन सबसे पहले 1s2, फिर किस में जाएगा, बोलिए 2s2 में जाएगा, ऑलरेडी कर चुके हैं अभी, 2s के बाद किस में जाएगा, बोलिए 2p में जाएगा, कॉमा नहीं देंगे क्योंकि अभी नंबर चेंज नहीं हुआ ये वाला, तो 2p 6 हो गया। अब उसके बाद 2p के बाद किस में जाएंगे, 3 में जाएंगे, तो कॉमा लगाएंगे यहाँ, तो 3s2 हो गया, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अब बताइए 3s के बाद किसको भरेंगे, बोलिए किसके बाद 3s को किसको भरेंगे, हाँ 3s के बाद ऐसे जाएंगे, फिर किस में आएंगे, 3p में। आप ऐसे मत गलती कर दीजिएगा कि 2s 2p भरा है तो 3s 3p 3d भरेगा, आप ऐसे जाइए 3s के बाद 3p में जाएंगे, बात समझ, जैसा जैसा ये एरो दिखा रहा है वैसे ही जाना है, ठीक है। तो 3s के बाद किस में जाएंगे, 3p 3p कितना हो गया, बोले 6 हो गया। p में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6, तो देख लो कितने हो गए, 2 2 4 4 प्लस 6 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 6 18। अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ डालेंगे बताओ। ये गलती मत करना कि 3p की बात 3d में डाल देना, किसमें, 3p के बाद ये एरो क्या बोल रहा है मेरे को, 4s में जाने के लिए, किसमें बोल रहा है बोलिए। ये अगर डार्क लाइन आपको मैं बना दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, किसमें बता रहा है बताइए, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3p के बाद किस में जाएंगे, 4s में जाएंगे, किस में जाएंगे बोलिए, 4s, और ये क्या हो गया बोलिए, 1 कॉमा देंगे कि नहीं देंगे। अब देखो इसको जब ऐसे 9th क्लास वाले की तरह करो तो कैसे हो जाएगा बताइए। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हुए, फर्स्ट में 2 हो गए, कॉमा कॉमा में देख लिए ना, 2 कॉमा के बीच में कितना, 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8 हो गया। थर्ड में देखिए कितना, 2 प्लस 6 8 हुआ, और फोर्थ में कितना, 1 हो गया। आप बोलेंगे सर थर्ड पूरी सेल भरी नहीं थी, अरे थर्ड में कितनी सेल चलती हैं, 3s 3p 3d था, लेकिन हमने p को 3p के बाद किसको भरना चाहिए था आपके हिसाब से, 3d, पर 3d को भरा नहीं, हमने किसको भर दिया, 4s को भर दिया। और 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में कैसे आते थे, जब 3s भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन p में भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन 2 6 2 18 और 10 यहाँ 18, बात समझ आ रही है। तब हमारे 18 पर हमारा d भरने के पहले ही 4s भर गया, बात समझ आ रहा है। तो ऐसे लिखते हैं 2881, ठीक। आप किसी और के लिए भी देख लीजिए, जैसे कैल्शियम का करके देखिए, एक बार ट्राई कीजिए। कैल्शियम का देखो क्या करेंगे बताइए, 1s2, ठीक है, 1s2 पहले किस में भरेंगे बताइए, 1s2 वही चलेगा, फिर किस में भरेंगे, 2s2, फिर किस में भरेंगे, 2p 6 कॉमा नहीं देंगे यहाँ पे क्योंकि 2 चल रहा है, फिर इसके बाद किस में, 2p के बाद किस में आएंगे, 3s में आएंगे, 3s 2 कॉमा हो जाएगा ना, 2 यहाँ 2 के बाद 3 में, ठीक है, 3s के बाद किस में भरेंगे बोलिए, 3p में भरेंगे, 3p क्या हो गया बोलिए, 6 हो गया, 3p के बाद किस में भरेंगे बोलिए, 4s। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4s में कितने डालने हैं, 2 2 4 2 कितना 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 यहाँ 2 20,
तो अभी आप इसको तोड़ के लिखें दोगे, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो हो गए, सेकंड सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एट हो गए, थर्ड सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एट हो गए, फोर्थ सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टू। तो आप ऐसे लिखते थे ना, टू एट एट टू, आप कन्फ्यूज हो रहे थे ना कि यहाँ पर टू एट टेन भर देते हैं, तो ऑब्वियसली एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, थर्ड थ्री पी के बाद थ्री डी भरना चाहिए था ना, पर हो क्या रहा है, थ्री एस के बाद आप थ्री पी पे गए, थ्री पी पे इधर कितने आ रहे हैं, फोर एस पे आ रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये आपको लाइंस दिख रही है ना, ऐसे 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 जिग जैग करके है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ एलिमेंट्स दे देता हूँ, उनको आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। थोड़े बड़े नंबर्स लेते हैं, ठीक है, इसको भरिए 37, रूबीडियम, इसका नाम क्या है, रूबीडियम, इसको भरिए, देखिए क्या होगा, किसमें जाएगा बोलिए, 1s 2, 1s 2 के बाद किसमें जाएगा, 2s 2, 2s के बाद किसमें जाएगा बोलिए, 2p 6, 3s 2p के बाद किसमें जाएगा बोलिए, 3s में जाएगा कि नहीं जाएगा, 3s 2, 3p के बाद किसमें जाएगा बोलिए, 3p कॉमा दे दीजिएगा यहाँ पे, 3p के बाद किसमें जाएगा बोलिए, 4s। अब आप बोलेंगे सर हम क्या 3d हमेशा खाली रह जाएगा, नहीं, 4s के बाद किसमें जाएगा, देखिए 3d 3d 10, पहले गिन लेते हैं, देखें कितने हो गए, 2 2 4 10 12 18 20 30, सही है ना, 2 2 4 10 12 18 20 30, अभी कितने बचे, 7 और बचे हैं, 3d के बाद क्या आएगा बोलिए, 3d के बाद क्या आ रहा है, कॉमा लगा देते हैं, 3d के बाद आ रहा है 4p, 4p में कितने जाएंगे, 6 जाएगा कि नहीं जाएगा, देखिए 4p आ रहा है, 4p के बाद किस में जाएगा बोलिए, 5s, 5s में कितना होगा, 6 भर चुके हैं, 7 भरने थे ना, 5s। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अगर आप इसको तोड़ के लिखना चाहते हैं तो देखिए लिख लीजिए एक बार, कितना हो जाएगा बोलिए, फर्स्ट सेल में हमारे कितने हो गए, दो, नाइन्थ वाले हिसाब से, सेकेंड सेल में कितने हो गए, 8, थर्ड सेल में कितने हो गए, 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8, फोर्थ सेल में, सॉरी एक गड़बड़ हो गई, हाँ ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 हो गए, सेकेंड सेल में 8 हो गए, थर्ड में देखो 2, 6, 3, 3 वाले गिनो ना, ये देखो 3 वाला ये है, 3 वाला ये है, और एक और 3 वाला है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, वो मैं भूल गया था, तो कितना हो गया, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 10 18, हमको एक साथ ही लिखना होगा, ऐसे मत लिख देना कि 2 सॉरी 8 हो गया, 8 2 10, ऐसे मत लिख देना, 3 वाला एक साथ ही लिख देना, ठीक है, थर्ड वाला हो गया, अभी खुश, थर्ड वाला पूरा भरा हुआ है, उसके बाद देखिए एस में कितना हुआ, 2, नहीं 2 प्लस 6 कितना हो गया बोलो, 8, क्योंकि फोर्थ फोर ओवर वाले हैं कि नहीं है भाई, ये 4s है 4p है, हैं तो दोनों फोर्थ की शेल, चाहे वो s हो चाहे वो p हो, देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए, 18, 8 हो गया, और उसके बाद कितना, 5 का तो चलो कुछ है ही नहीं, 1 हो गया। बात समझ में आया, और बड़ा नंबर लेते हैं एक बार, रूबीडियम के बाद क्या आता है, हलीनाकर अब से फरियाज, सीजियम, ठीक है, 36 इसका एटॉमिक नंबर होता है शायद, 55, हाँ देखो CS for cesium 55 होता है, लिखने की कोशिश कीजिए, 1s2 क्या होगा बोलिए, 2s2 बोलो, 2s के बाद, ये तो लिखने का प्रैक्टिस हो गया होगा अभी, 2s के बाद क्या आएगा, 2p, और तरीका देखा जाए तो 30 तक तो एटलीस्ट इसी तरह भर सकते हो आप, 2s2 2p6 फिर क्या होगा, 3s2 3p, 3p के बाद 3d आएगा कि 4s आएगा, 3p के बाद क्या आएगा, 4s आएगा, 3p 4s 2 फिर क्या आएगा, 4s के बाद क्या आएगा बोलिए, 3d क्या आएगा, 3d के बाद 3d में कितना जाएगा, 10, 3d के बाद कितना आएगा, 4p में कितना जाएगा, 6, ठीक है, 4p के बाद किस में जाएंगे बोले, 5s, ठीक है, 5s के बाद किस में जाएंगे बोले, 5p में जाएंगे कि 4d में जाएंगे, 5s के बाद किस में जाना है, देखिए 4d में जाना है, तो क्या हो गया बोलिए, 4d के बाद किस में जाना है, 5p, 4s में 2, d में 10, p में 6, एक बार गिन लेते हैं यार, 2 2 4 10 10 sorry 2 2 4 4 plus 6 10 6 plus sorry 2 2 4 4 plus 6 10 10 plus 2 18 18 6 24 24 plus 2 कितना हो गया, 26 plus 10 36, नहीं निकलती हो रही है कुछ हमसे, 2 2 4 4 plus 6 10 10 plus 2 12 12 plus 6 18 18 2
20 + 10 = 30 + 6 = 36 + 2 = 38 + 10 + 10 = 48 + 6 = 54 ओके 54 भर गया। 5p के बाद किस में आएंगे बोलिए, 6s किस में आएंगे बोलिए, 6s, तो कितना हो गया बोलिए 6s1। अब देखो अलग अलग कर लो इसको, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो, 2। अब डर ही नहीं है कुछ कि वो 818 वाला कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसको लिखते जाइए, ठीक है। अभी आपको लगेगा यार आप तो लंबा मेथड बता दिए, पर आप इलेक्ट्रॉन जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। फर्स्ट शेल में कितने हो गए, 2 हो गए, सेकेंड में देखिए 8 हो गया, थर्ड में देखो 3 वाले देखो 3s2 है, 3p6 है, 2+6 = 8 और एक 3d10 यहाँ पर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, तो कितना 18 हो गया। 4 नंबर पे आइए, देखिए 4 के कौन कौन से, 2 ये हैं, 6 ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया। अब इसमें देख लीजिए 5 में, देख लीजिए 5 में कितना हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। 6 का कितना हो गया, 1 हो गया। कोई दिक्कत, चाहे जितना बड़ा नंबर दिया जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप इसका लिख के लाइएगा, फ्रांशियम का लिख के लाइएगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 87, ठीक है। अगर आप ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप पीरियोडिक टेबल खोलिएगा, कोई भी एटॉमिक नंबर, कोई भी एलिमेंट निकालिएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रैंडमली स्टार्ट कीजिएगा, देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लीजिएगा, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सके तो आज कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।